हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग साइंस का 14th वाला लेसन एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर का जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। और इसके अंदर हम लोग हर एक क्वेश्चन का डिटेल से देखेंगे, क्वेश्चन आंसर ओके, और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते हो कि हु इज माई कंपेनियन, तो हमने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन के सामने ही जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारे के सारे क्या है, आंसर है ओके। जैसे स्टेनलेस स्टील एलॉय है, फिर मिक्सचर ऑफ मेलिंग क्या है, मिक्सचर है, सॉल्ट क्या है, कंपाउंड है, कोल क्या है, एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, सारे के सारे जो आंसर है वो यहाँ पे लिख के दिए हैं ओके। उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हो तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ क्या दिया है, सिंबल दिया है और सिंबल के हिसाब से आपको उसका नाम लिखना है। जैसे ZN का जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, जेनोन हो गया, BR का बोरो ब्रोमीन हो गया, TI का टाइटेनियम हो गया, CU का कॉपर क्यूपरस हो गया, फिर FE का फेरस और आयरन हो गया, SI का सिलिकॉन हो गया ओके। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग HCl बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग H2SO4 बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को NaCl बोलते हैं, ग्लूकोज को हम लोग C6H12O6 बोलते हैं ओके, मीथेन को हम लोग CH4 बोलते हैं। तो यही सारी चीजें आपको बतानी थी ओके। और ये सारी चीजें बहुत ही इजी है, सिंपल है। उसके बाद हमें साइंटिफिक रीजन बोला था, तो साइंटिफिक रीजन हम कैसा लिखते हैं कि जो साइंस द्वारा क्या है ऑलरेडी प्रूव है उसी को हम लोग साइंटिफिक रीजन बोलते हैं ओके। तो अगर जब ऐसा आपको क्वेश्चन आता है तो आप साइंस के नजरिए से आप सोचो कि साइंस ने इसको कैसे प्रूव किया है ओके। कि अगर हम लोग बटर मिल्क को चर्निंग करते हैं तो उससे क्या होता है, बटर मिलता है ओके। तो वो कैसा होता है, उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ओके। उसी तरह से आपने क्रोमेटोग्राफी किया होगा। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है बच्चे लोग, कि अगर हमारे पास, ठीक है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ ओके, ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाओ। तो सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है ये मैं कंपाउंड ले लेता हूँ, ये कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड है छोटा सा मेरे पास ओके। लेकिन ये कंपाउंड को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में भी अलग अलग होते हैं, जैसे एक पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, ग्लास क्रोमेटोग्राफी होता है ओके। उसके बाद अगर आप देखते हो तो ये क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग, यानी पहला तो हम लोग सबसे सिंपल करते हैं वो जो ग्लास क्रोमेटोग्राफी होता है, ठीक है TLC करते हैं हम लोग, उसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, उसके बाद अलग अलग चीजों पे हम लोग क्रोमेटोग्राफी ट्राई करते हैं ओके। तो यहाँ पे सबसे सिंपल अगर हम लोग क्रोमेटोग्राफी की बात करें, तो क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल हम लोग किसी भी अगर कोई भी अगर हमें कंपाउंड दिया है, उस कंपाउंड में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है और हर एक पिगमेंट का क्या होता है कि जो कलर होता है वो अलग होता है, और इसके वजह से हम लोग उसका जो pH है, pH पेपर पे हम लोग उसका pH देखते हैं, और pH पेपर के हिसाब से जो भी सारी चीजें हैं हम उसके पता करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है ओके। उसके बाद यहाँ पे क्लोथ इज रैप अराउंड अ वाटर स्टोरेज कंटेनर इन समर, तो आपने देखा होगा कि अगर आप कभी ट्रैवल करते होंगे तो रिक्शे वाले के पास या फिर किसी गाड़ी चालक के पास, ट्रक वाले के पास, अगर वो उसके पास अगर पानी पीने की बोतल होगी तो वो बोतल को कपड़े से या फिर जूट के कपड़े से वो पूरा रैप करता है और उसको गीला करके रखता है। तो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी के सीजन में जो वाटर होता है वो बहुत ज्यादा इवोपरेशन होता है, और इसके वजह से जो पानी होता है बॉटल का वो बहुत जल्दी गर्म होने लगता है। लेकिन अगर वैसा करते हैं तो उससे क्या होता है, एक कंटेनर जो होता है वो कंटेनर कूल होता है, बहुत समय तक वो कूल ही रहता है ओके। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा लेकिन साधारण सा लेकिन बहुत ही काम का जो आइडिया है, कि आप अगर पानी को बहुत देर तक ठंडा करना चाहते हो तो उसके ऊपर क्या करो, आप कपड़ा लपेट दो या जूट का कपड़ा लपेट दो और उसके में क्या करो, उसको गीला कर दो ओके। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस यानी क्या होता है कि बाइफर्गेशन पूछा है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि मेटल और नॉन मेटल में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको पता है मेटल के पास लश्चर प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, टेम्परेचर में सॉलिड होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, अगर टेम्परेचर हाई करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है ओके। और वो इसके पास जो हाई डेंसिटी होती है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर नॉन मेटल्स बोले हम लोग, तो नॉन मेटल्स में आपको पता है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते हैं, उसमें से हीट पास नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है,
अगर हम लोग उसमें देखें तो वो डक्टाइल भी नहीं होते, मैलेबल नहीं होते हैं, यानी अगर उसके ऊपर हम लोग किसी चीज से अगर वार करते हैं तो वो आसानी से टूट जाएगा, वो फैलेगा नहीं, उसमें किसी तरह का लश्चर प्रॉपर्टी नहीं होता है, ओके, वो ना ही तो नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं ना गैसियस होते हैं, और उसकी जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी भी क्या होती है, बहुत कम होती है, जैसे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लो और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लो, ओके। उसके बाद अगर मिक्सचर और कंपाउंड की बात करें तो मिक्सचर में क्या होता है कि आप कौन से भी कंपाउंड का, कौन से भी जो भी आपके पास सैंपल रखा है वो किसी भी आप प्रोपोर्शन में लेके मिक्सचर बना सकते हो। लेकिन कंपाउंड के अंदर कैसा होता है कि कंपाउंड अगर आपको बनाना है तो जो एकदम एग्जैक्ट जो प्रोपोर्शन होता है जो बुक में लिखा हुआ है या फिर जो भी आप कंपाउंड बनाने वाले हो उसके हिसाब से जो प्रोपोर्शन आपको लेना है आपको उतना ही प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा, या तो 190 का लो, 110 का लो, कुछ भी ले लो लेकिन उतना ही लेना पड़ेगा। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, आप थोड़ा सा यहाँ से ले सकते हो, थोड़ा सा वहां से ले सकते हो, उसमें क्वांटिटी का कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है, किसी तरह का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, ओके। उसके बाद एटम्स और मॉलिक्यूल, तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एटम के एटम से, और एटम्स क्या होते हैं, एटम्स जो आपके किसी भी मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ओके, उसको हम लोग एटम बोलते हैं, और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, ओके। और इस ये सारे जो एक बार टुगेदर हो जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे सेपरेशन बाय द डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल, तो डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनल ये दोनों का इस्तेमाल हम लोग किसी भी चीज को सेपरेट करने के लिए करते हैं। लेकिन बेसिकली जो हमारे पास सेपरेटिंग फनल होता है, सेपरेटिंग फनल एक फनल जैसा ही होता है, यानी इस तरीके से आपको देखा होगा, यहां से ऐसा हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ये डालते हैं, यहां से ऐसा होता है, ठीक है, यानी ऐसा ऐसा करके ये ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक नॉब लगा होता है जिसकी मदद से हम नॉब को खोल के यहाँ पे जो लिक्विड होता है उसको हम लोग निकालते हैं। यहां से अगर आपने दो ऐसे मिसिबल लिक्विड डाले, इमिसिबल यानी दोनों एक दूसरे में मिल नहीं सकते, जैसे वाटर और पानी को डाला, तो क्या होगा, यहाँ पे जो पानी होगा वो नीचे आ जाएगा और जो यहाँ पे ऑयल होगा वो ऑयल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो आप दोनों को क्या कर सकते हो, इसकी मदद से आसानी से सेपरेट कर सकते हो। लेकिन डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में सबसे पहले तो आपको हीट रिक्वायर होगी, ओके, और यहाँ पे इस सेपरेशन के लिए आपको सॉल्यूट दिया होगा, तो इसमें दोनों में अलग अलग चीजें हैं, दोनों अपने अपने हिसाब से काम करती है। लेकिन अगर इजी वे में समझे तो सेपरेटिंग फनल हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू डिस्टिलेशन, ओके। राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड, तो ये चीजें सारी बहुत ही इजी होती है, ये सारी चीजों के जो आंसर होते हैं बच्चे लोग आप आसानी से दे सकते हो, क्योंकि अगर आपको ओन वर्ड्स में बोला तो आप अपने हिसाब से कुछ भी आंसर बना सकते हो। लेकिन यही होता है कि आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन के रिलेटेड होना चाहिए, आपका जो आंसर है वो साइंस के रिलेटेड होना चाहिए, ओके। जैसे यहाँ पे पूछा है कि देयर आर वेरियस मेथड टू सेपरेशन सेपरेट द मिक्सचर, ओके, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, सिफ्टिंग हो गया, शॉर्टनिंग हो गया, विनोइंग हो गया, कंबाइनिंग विद द मैग्नेट हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग मेथड है, तो इन मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है और आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद विच एलिमेंट कंपाउंड एंड द मिक्सचर डू वी यूज इन योर डे टू डे लाइफ, तो आपको पता है मेटल्स में, मेटल्स आप अपने चारों बाजू अगर आप देखते हो तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टीन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं। नॉन मेटल्स में आप ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और भी ऐसे बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे आपका एलपीजी गैस हो गया, उसके अंदर आपका ब्यूटेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया। कंपाउंड में आप सुगर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, ऑयल लेते हैं, ओके, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं। मिक्सचर में आप लेते हैं, आप अगर एलॉय लेंगे, ब्रास लेंगे, 22 कैरेट गोल्ड लेंगे, तो ये सारी चीजें मिक्सचर के अंदर आ जाती है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं। इन एवरीडे लाइफ वेयर एंड फॉर व्हाट पर्पस डू यू यूज सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन हमने ऑलरेडी बात किया था कि इसकी मदद से भी हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। लेकिन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन में ये कॉमन हाउस होल्ड वर्क के लिए बिल्कुल नहीं है, ओके। आप इसका इस्तेमाल आप क्या कहाँ कर सकते हैं, जो स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स हैं उनका इस्तेमाल हम लोग अलग करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल अगर आप देखते हो कि बटर मिल्क होता है जिससे हम लोग बटर बनाते हैं, यानी बटर मिल्क को आप एक घमेले में लेते हो, आप एक बर्तन में लेते हो और उसमें क्या करते हो, आप मथनी होती है ना जो हम लोग रस्सी से बांधते हैं और उसको कंटिन्यूअस घुमाते हैं,
तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, और उससे क्या होता है कि जो आपका बटर है वो बटर मिल से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ओके, और इससे हमें क्या मिलता है, एक बटर मिलता है, और ये कब होता है, एक सस्पेंशन ऑफ बटर, ठीक है। और इसी का इस्तेमाल हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल हम लोग डे टू डे लाइफ में यही इस्तेमाल के लिए हम लोग करते हैं। ओके, उसके बाद वेयर आर द मेथड ऑफ सेपरेशन बाय द डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल यूज्ड। ओके, तो डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनल जो है वो कहाँ पे यूज होता है सबसे ज्यादा, तो आपको पता है रिमूविंग ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सी वाटर से हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो भी नमक वाला पानी है वो नमक वाला पानी हम लोग जो उसमें से नमक है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, और जो पानी है वो हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी हम लोग सी वाटर से जो नमक बनाने का जो काम है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिस्टिलेशन का। अगर सेपरेटिंग फनल का हम लोग बात करें, तो सेपरेटिंग फनल में अगर हम लोग किसी भी दो ऐसे इमिसिबल लिक्विड ले ले, चाहे केरोसिन वाटर ले ले, कौन सा भी ऑयल और मिक्स ऑयल का और वाटर का हम लोग कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या फिर ऐसा ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ऑर्गेनिक क्या फॉर्म करता है, एक ऑयली लेयर फॉर्म करता है, और वाटर क्या करता है, नीचे उसका डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो नीचे आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। विच प्रिकॉशन विल यू टेक वाइल यूजिंग द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग सेपरेशन बाय द सेपरेटिंग फनल। तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो प्रिकॉशन हर एक केमिस्ट्री के एग्जाम्पल में, हर एक साइंस के एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिना प्रिकॉशन, बिना अगर तैयारी के अगर आप कुछ करते हो, तो इससे आपका जो हानि है, आपको जो इंजरी है वो होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें, जैसे आपका जो एक्सपेरिमेंट का आप जो भी अपैरेटस ले रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए। ओके, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका प्रॉपर तरीके से ध्यान होना चाहिए वहां पे। ऑब्जर्वेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी साइंस के एक्सपेरिमेंट में। ओके, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है 14th वाला, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से समझ गया होगा। ओके, और बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज था। तो इस तरीके से यहाँ पे ये उसको हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।